KMR होलसेल फ्लावर मार्ट, उम्दा खुशबू के अत्तर परफ्यूम, बुके, मोती गार्लैंड, नेकलेस गार्लैंड, वेडिंग गार्लैंड, शाल, बेटा, कारो कमरे की सजावट, फूलों का घूंघट, दूल्हे का सहरा, हार और चोंडा, हर तरह के खुशबूदार रंगीन फूल, शादी ब्याह के साथ साथ हर फंक्शन के मुकम्मल सजावटी सामान भी दस्तियाब है। KMR फ्लावर मार्ट रूबरू उस्मानिया मस्जिद फूल बाजार दीन खंदिल रायचूर। हाजरीन आदाब, एवन टीवी रायचूर में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, शहर के टीपू बाग में दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर मुसलसल गुज़श्ता चंद दिनों से एहतजाज चल रहा है। एहतजाजी धरने में आज शहर के मजाफाती इलाका बंदा नवाज कॉलोनी, निज़ामुद्दीन कॉलोनी, गौसिया कॉलोनी, शांति कॉलोनी के अवाम पर मुश्तमिल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिटीज़न डेवलपमेंट एसोसिएशन ने हिस्सा लिया। इस इलाके के नौजवान और ख़वातीन ने कसीर तदाद में आज एहतजाज में शिरकत की। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे इंडियन भाषा से गुफ्तगू करते हुए संघ के सदर सैयद अशरफ हुसैन ने कहा कि CAA, NRC और NPR जैसे कवानीन अवाम के खिलाफ हैं, लिहाजा हुकूमत फौरन इन कवानीन को वापस ले ले, वरना हम इसी तरह एहतजाज को जारी रखेंगे। संघ के सेक्रेटरी अब्दुल सलाम ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ दस्तूर पूरे मुल्क के लिए और हुकूमत के लिए मशाल रहा है। CAA, NRC और NPR बाबा साहब के दस्तूर के ख़िलाफ़ हैं, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो दस्तूर की इज़्ज़त करे और दस्तूर के ख़िलाफ़ जा रहे ख़वानीन को फौरन वापस ले ले। कांग्रेस अखिलेती सल के साबिका सदर और साबिका रुकने बल्दिया ज़हीर अहमद ने इन ख़वानीन को वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया। वो इस ख़वानीन को फौरन वापस लेने के लिए हुकूमत से पुरजोर अपील की। इससे इन्होंने कहा कि इन ख़वानीन से मजहबी तफरीक हो रही है, जिसके लिए हुकूमत को ना मौजूदा आवाम माफ़ कर सकेगी और ना ही आने वाली नस्ल। एक नौजवान आसिफ अली ने कन्नड़ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन ख़वानीन को वापस लेने तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे, चाहे हमें गोली मारी जाए या फिर हम पर लाठी बरसाई जाए। नाज़रीन, कुछ इसी तरह का जज्बा ख़वातीन में भी देखा गया। इस मौके पर आसिया बेगम व दीगर ख़वातीन ने कहा कि ये मुल्क हम सबका है, आज़ादी के लिए हम सभी ने मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी। सबसे ज़्यादा शहीदों में मुसलमानों के नाम ही शामिल हैं, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुसलमानों ने ही दी हैं। आज भी मुल्क को फिर से आज़ादी की ज़रूरत है। NRC से, NPR से और CAA जैसे काले ख़वानीन से आज़ादी की शदीद ज़रूरत है, लिहाजा हम मुकम्मल आज़ादी तक एहतजाज करते ही रहेंगे। इन्होंने शहर की दीगर ख़वातीन से भी अपील की कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस एहतजाज में शामिल हों और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में टिपू सुल्तान गार्डन पहुँचें और इस एहतजाज को में मजमे में इजाफा करते हुए हुकूमत पर दबाव बनाया जाए। नाजरीन आदाब, ATV उर्दू में आपका खैर मकदम है। आज रायचूर के टीपू गार्डन यानी शाहीन गार्डन से जिसे जोड़ा जा रहा है, आज मुसलसल 12 से 13 दिन हो गए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज मौलाना APJ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अभिवृद्धि संघ की जानिब से प्रोटेस्ट रखा गया है। आज कई उसके कार्यकर्ता जो भी उनके जिम्मेदारान हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आप APJ अब्दुल कलाम के क्या? APJ अब्दुल कलाम का प्रेसिडेंट हूं मैं, सैयद अशरफ हुसैन। हम लोग जो है ये NRC, NPR, CAA के काले कानून के खिलाफ जो सिटीजन फॉरम का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो बैठे हैं उनका साथ देने के लिए आज हम बैठे हैं। सुबह से औरतें भी हैं हमारे साथ, जो काला कानून है इसके खिलाफ हम बैठे हैं। जब तक ये नहीं निकालेंगे, ये नहीं हटेंगे, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, हटने वाले नहीं हैं, एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये सुन लें, हुकूमत से हम कह रहे हैं यहाँ से, ये नहीं समझना कि बैठे हैं हम हटा देंगे। हम कईयों को हम देखे, फिरौन चला गया, शद्दत डूबते हुए हम देखें, ये मोदी और अमित शाह हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। कितने अंग्रेज़ों को ये खून भगाई है,
आपके साथ कितने संघ हैं यहाँ पूरे? आज सिर्फ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नागरी वृक्ष 30/3 या 30/6 संघों की जानिब से हो रहा है, उसमें एक संघ आपकी भी है क्या? 30/3 नहीं, 60 संघ हैं, उसमें ये एक संघ भी है यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हाँ, प्रोटेस्ट में जो शामिल हैं। आज खास करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाले आज यहाँ ज्यादा आ गए हैं। हजरत बंदा नवाज, हजरत निजामुद्दीन, गौसिया, शांति और दीगर कॉलोनी की तरफ से यहाँ पर आकर बैठे हैं। सिर्फ मर्द हजरत नहीं, औरतें भी हैं यहाँ पर, ज़ईफ औरतें हैं, माएँ हमारे बहनें बैठे हुए हैं। जब तक ये खाला खानों नहीं हटेगा, हम हटने वाले नहीं हैं। ये लोग इनके खिलाफ बात करे देश के गद्दार। अरे डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हुकूमत के खिलाफ बात करना हर एक इंसान का फ़र्ज़ है, हक है, उसका बात कर सकता है। कोई बोल दिया मोदी के खिलाफ, लो उसको देश दहशत कर दी या देश का देशद्रोह का कानून डाल दिए, या ऐसा कहीं दुनिया में नहीं है ऐसा। अरे बादशाही हुकूमत जाए वहाँ पर भी ऐसा हुकूमत ऐसा कानून नहीं होगा। बीदर में एक छोटे मासूम बच्चों को तुम देशद्रोह के केस में डाल देते, टीचरों को वो केस में डाल देते, इतना डरा के कितने दिन तुम डरा के रखेंगे? ये ऐसा डराने से ज़्यादा दिन नहीं चलता। एक ना एक दिन तुम्हें झुकना पड़ेगा, झुकने की बात नहीं है। मुसलसल आप बैठेंगे जब तक रिजेक्ट नहीं होता, हक पर मानना पड़ेगा। जब तक तुम नहीं सुनेंगे हम हटने वाले नहीं है। आपका नाम? सैयद अशरफ हुसैन। और आप? मेरा नाम शेख अब्दुल सलाम है। हम APJ अब्दुल कलाम संघ से यहाँ पर जुड़े हैं। सेक्रेटरी हूँ मैं इसका, विजय अब्दुल कलाम का। ये CAA, NPR, NRC इसके खिलाफ में हम बैठे हैं और देख रहे हैं मुसलसल हालात मुल्क के क्या हो रहे हैं, बस से बदतर होते जा रहे हैं। हालत इतने ख़राब है, ना कारोबार में कुछ है, ना हमारी GDP क्या बुरी तरीके से गिरी है। आजू बाजू के कंट्री से हमारी कंट्री को टैली करें तो बहुत बुरी हालत है। जो ऊपर हमारी कंट्री से टैली नहीं हो सकते थे, वैसे लोग हमारे बराबर आगे ठहरे हैं। आप क्या चाह रहे हैं इस मुल्क से, और ख़ासकर मुसलमानों से क्या चाह रहे हैं आप? मुसलमानों को दबाना चाह रहे हैं? मुसलमानों को यहाँ पर एक दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाह रहे हैं? आप सोचिए, समझिए इसे। ये हालत ऐसे जितने दिन आप ऐसे करते रहेंगे बहुत ख़राब होते जाएंगे। और जब तक आप ये सब NRC, CAA, NPR जब तक आप वापस नहीं लेंगे, ये हमारा प्रोटेस्ट इसी तरह चलते रहेगा। और इसी बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। APJ अब्दुल कलाम का मैं सेक्रेटरी हूँ। ये हमारे संघ से, हमारे एरिया से पूरे जुड़े हैं लोग, और ये है प्रोटेस्ट यहाँ ख़त्म नहीं होगा। और हम तमाम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हमारे अंबेडकर साहब जो लिखे हैं, बाबा अंबेडकर साहब, उसको समझने की बात है। उसको जब तक आप नहीं समझेंगे और हालात ऐसी तरह ख़राब करते रहेंगे तो ये कोई सुनने वाला नहीं है आपकी बात। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़हीर अहमद है, साबिका चेयरमैन, साबिका काउंसलर। और ये जो काला कानून है NPR NRC, ये बिल्कुल गलत है। और ये जब उस वक्त तक हम प्रोटेस्ट करेंगे जब तक गवर्नमेंट नहीं मानेंगी। आप देखिए, एक 50 साल के पेपर्स जो मेरे बड़ों के है या दलित भाइयों में है, वीकर सेक्शन में है, आप 50 साल के पेपर, तुम्हारे वालिदैन के बर्थ सर्टिफिकेट और पेपर्स बोले तो कहाँ से लाएंगे? ना हम 50 साल के ला सकते, ना दलित भाई ला सकते, ना पिछड़े तबकात ला सकते। म्यूनसिपाल्टी ये कह रही है कि हमारे पास 80 साल के बाद से रिकॉर्ड है, 80 साल से, 1980 से हमारे पास रिकॉर्ड है, साबिका का रिकॉर्ड नहीं है। अगर नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ता। फिर माइनॉरिटीज़ के ऊपर, दलित भाइयों के ऊपर बड़ा पार्लियामेंट में अभी लिखित में दे दिए हैं कि NRC नहीं होगा। ये NRC नहीं होगा मतलब क्या? NPR CAA होगा, उसे भी आप लोग वापस लेना पड़ेगा, उसे भी लिखित में देना पड़ेगा आपको, जिस तरह NRC के बारे में दिए हैं। तो बात एक ही है, आप NRC अगर आप वापिस ले रहे हैं जैसा पार्लियामेंट में अभी मेरे भाई बताए, छोटे भाई, तो दूसरे जो कानून लगाए हैं, तो बात उतनी ही हो गई। 1920
वो भी कानून आप वापिस लेना पड़ेगा। ना मुसलमानों के लिए ये फायदा मंद है, ना दलित भाइयों के लिए, ना वीकर सेक्शन के लिए है। 50 साल का रिकॉर्ड कोई जात नहीं दे सकती। मैं इनको पूछता हूँ, जो पार्लियामेंट जो पास करी, इनके बड़े लोगों के दस्तावेजात कोई है क्या 50 साल पिछले के? नहीं है। कानून पास कर दिए, तुम लड़ो मरो कुछ भी हो जाओ, बस गवर्नमेंट आपकी है, मीडिया आपका, पुलिस आपकी, जजेस आपके, प्रेसिडेंट आपका, प्राइम मिनिस्टर आपका, सब चीज़ आपकी। आप मनमाने करेंगे, ये नहीं होगा और ये होने नहीं देंगे। जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी। कांग्रेस पार्टी बराबर है, कांग्रेस पार्टी बराबर है, तमाम पार्टियां इसमें बराबर है, और हिंदू भाई बराबर है। कई लिंगायत स्वामी संत भी इसके बारे में जो है बयान दिए कि कानून बिल्कुल गलत है, और कई ब्राह्मण कम्युनिटी के, कई फॉरवर्ड कम्युनिटी के, छोटे तबके के, बड़े तबके के, पिछड़े तबके के, तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व है कि ये कानून बिल्कुल गलत है। खैर, कहने के लिए बहुत है और भी कहने वाले, मैं इतना कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इस कानून को वापस लीजिए, ताकि मुसलमान दलित भाई पिछड़े तबके का दिल जीत सके। आप ये 4 दिन रहेंगे नहीं रहेंगे, मगर कानून लगा के आप चले जाएंगे तो उम्र भर जो है इस कम्युनिटीज आपको जो है माफ़ नहीं करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को, मेरा नाम आसिफ अली है। ನಾವೀನು ಏನು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಕೇವಲ CAA NPR NRC ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ. ನಾನು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾವೀನು ಈ ಹೋರಾಟ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಕೇವಲ CAA NPR NRC ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಟ ಹೋರಾಟ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳಿಸುವ ತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಓಟಿನ ಪವರ್ ಅದನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಅವರು ರಾಜ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಜಾರಿ ತರುವ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ, ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜನರು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅವರು ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮಗೆ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯಿರಿ, ನೀವು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ನಿಂದ ಲಾಠಿ ಹೊಡೆಸ್ರಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ. ನಾವೆಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಹೋರಾಟ ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರಲ್ಲ, ದಲಿತ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಗರಿಕರ ಹೋರಾಟ ಆಗಿದೆ. ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹೋರಾಟ ಆಗಿದೆ. ಆಜ್ ಪಿಛಲಿ 15, 16, 13, 14 दिन से रायचूर के टीपू सुल्तान गार्डन को शाहीन बाग से मंसूब किया गया है. ना कि मर्द हजरात, उनके साथ साथ कई खवातीन माँ बहनें यहाँ पर बैठी हैं NRC के ताल्लुक से. मैं यहीं पे टीपू सुल्तान गार्डन में इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप कितने दिन से बैठे हैं. हम लोगों को तकरीबन 8-10 दिन होने को आ रहा है. हम लोग रोज़ आ रहे हैं यहाँ पे. परसों इसके दिन भी रैली निकली है, संडे के दिन बहुत बड़ी रैली निकली यहाँ पे, तकरीबन लोग आए हैं. हम लोग की गुजारिश है, हम सबकी गुजारिश है कि ये जो भी NRC है, CAA है, CAB है, वापस लेने रिक्वेस्ट कर रहे हैं. हम लोग हार्टली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बुराई के लिए. वापस लेने तक बिल्कुल भी नहीं उठते. हम सब एक साथ है, चाहे जितने भी दिन होंगे, जब तक ये CAA वापस नहीं लेते जब तक नहीं उठते हम लोग. छोटे बच्चे, बूढ़े, यहाँ पे आप तकरीबन देखिए बुजुर्ग लोग भी है, छोटे बच्चों के लेके माएं भी है, और सब लोग हैं. जो भी औरतें अपने बच्चों को स्कूल को भेज के यहाँ पे आके बैठे. अब जैसे ही स्कूल का टाइम होता है, हम सबको फिक्र है कि घर के जाना बोल के. इंशाल्लाह इंशाल्लाह बराबर बैठेंगे, इंशाल्लाह बराबर बैठेंगे, इंशाल्लाह. हमारी आजादी चाहिए, हमें NRC से आजादी चाहिए, CAA से आजादी चाहिए,
एनआरपी से आजादी चाहिए, एनपीआर से आजादी चाहिए। आपके घर को कोई अगर कागजात पूछने आए तो आप लोग देते? बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते, उसके बोले तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देते, किसी को नहीं देते। और रिक्वेस्ट भी है, और जी जब तक ये चलेगा, जब तक भी हम लोग यहीं पे बैठते हैं, हम लोग स्ट्राइक करते हैं, जितना हम लोगों से होता सब लोग आएंगे। और ये गुजारिश भी है, घर में जो भी माँ बहने हैं, घर से बाहर निकलिए, आइए यहाँ पे देखिए, जितने बुजुर्ग लोग आके बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके आके बैठे हैं, हम सबसे गुजारिश करते हैं बाहर निकलिए। कब बाहर निकलते, अब नहीं निकले तो, जब सब लोग आके घर पे दरवाजे पे ठहर के पेपर्स मांगते, जब बाहर निकलते, जब नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ पैर कांपने लगते, गुजारिश करता हूँ आप सबसे बाहर निकलिए, आइए मजमा जमाइए। ये जिस पर्सन जैसे रैली में निकला था, आप सब लोग घर में वापस ठंडे बैठ गए, नहीं बाहर निकलो, आओ आके आवाज दो। हम लोग क्यों आए भाई यहाँ पे, क्यों आए? खुद के लिए नहीं आए, सबके लिए आए। शाहीन बाग में इतने दिन हो गया, आज को 53-54 दिन हो गया, क्यों बैठे सब लोग? आजादी के लिए बैठे, किसकी आजादी के लिए? उनके खुद के लिए नहीं, सबके लिए बैठे, हर मुसलमान के लिए। हमारा हक है ये, जो भी हम लोग कर रहे हैं हमारा हक है, ये सिर्फ एक दो लोगों का हक नहीं है, हर सबका हक है, हमारे बच्चों का हक है, इंडिया हम सबका है, सिर्फ हिंदुत्व का नहीं है, इंडिया में मुसलमान है। देखो जाके इंडिया गेट में जाके देखो, 1.5 लाख से ज्यादा शहीद है, उसमें सबसे ज्यादा किसके नाम है? 63,000 मुसलमान शहीदों के नाम है। पढ़ के देखो जाके, जो भी है पढ़ के देखो, कितने शहीद हुए सो है, 63,000 मुसलमान शहीद है, उनके नस्लों में से भी हम है। तो हम लोगों को इतना आसान नहीं है, आप लोग जो एनआरसी सीएए सीएबी करने की जो साजिश है, ये नहीं कर सकते आप लोग, जब तक आप लोग वापस नहीं लेते, नहीं मानते, हरगिज नहीं मानते। आसिया बेगम, तो ये है हमारे रायचूर की खवातीन का जज्बा। मैं आपका मेजबान एंकर, इंडियन भाषा टीवी उर्दू में।